बीजेपी के 10 MP थे, किसान आंदोलन के एक इशू पे कोई बोला हो, अगर हमारे सांसद वहां होते और ना बोलते, ये इशू था। मुझे वो अवसर मिला एज ए रीजनल पार्टी का MP कि मैं ट्रैक्टर लेके पार्लियामेंट में जाऊं, और जब मैं वो ट्रैक्टर लेके पार्लियामेंट में गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से वो गैजेट नोटिफिकेशन विड्रॉ करना पड़ा। दुष्यंत जी, आपको लगता है कि जो रीजनल पार्टी का एक USP होता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आपके लिए हरियाणा में कम कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग टाइप में थे, और आपके शब्दों का मैं बोल रही हूँ कि आपने गठबंधन का जो धर्म है वो निभाया है, लेकिन बीजेपी ने तो नहीं निभाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप ये मानते हो कि मैंने मेरा गठबंधन धर्म निभाया। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, वो चाहेंगी कि मैक्सिमम स्टेट्स उनके सिंबल पे जीते जाएं, वो चाहेंगी कि मैक्सिमम जगह उनके लोग प्रदेशों का नेतृत्व करें। कांग्रेस भी यही चाहती थी, मगर चौधरी देवीलाल जी हमेशा एक चीज कहा करते थे कि रीजनल पार्टीज आर ओरिजिनल पार्टीज, और वो इसलिए कहा करते थे कि एक रीजन की समस्या को, एक रीजन की आवाज को पार्लियामेंट में जगह मिले वो बड़ा महत्वपूर्ण है। 10 बीजेपी के सांसद हरियाणा प्रदेश से जीतकर पार्लियामेंट में गए पिछली बार। मैं आपको एक का भी उदाहरण नहीं बता सकता कि उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये लड़ाई प्रदेश के लिए या किसी इश्यू के लिए लड़ी। देवर ऑल डमी कैंडिडेट्स, देवर ऑल पीपल हु वर जस्ट सिटिंग एंड एंजॉइंग द पोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनका योगदान लेजिस्लेटिव वर्क में कितना रहा है ये तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग बता सकती है, मगर क्या छोटे मार्जिनल रीजनल इश्यूज को वो उस बड़ी पार्टी की छत्र छाया में आवाज दे पाए। मुझे वो दौर भी याद है, मैं लोकदल से सांसद था INLD से, और उस समय ट्रैक्टर को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने एक कमर्शियल व्हीकल डिक्लेयर कर दिया था। मुझे वो अवसर मिला एज ए रीजनल पार्टी का MP कि मैं ट्रैक्टर लेके पार्लियामेंट में जाऊं, और जब मैं वो ट्रैक्टर लेके पार्लियामेंट में गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से वो गैजेट नोटिफिकेशन विड्रॉ करना पड़ा और उसको नॉन अपने एग्रीकल्चर व्हीकल डिक्लेयर कर कहीं ना कहीं वो कमर्शियल कैटेगरी से हम बाहर करवा पाए। बीजेपी के 10 MP थे, किसान आंदोलन के एक इशू पे कोई बोला हो सर, बट उस इशू पे तो आप भी नहीं बोल पाए। हमारे स्टेट सब्जेक्ट था ही नहीं सर, अगर हमारे सांसद वहां होते और ना बोलते ये इशू था, पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे वहां ये एक्ट बने, स्टेट्स में एक्ट नहीं बने। स्टेट्स ने तो सहमति भी नहीं दी, क्योंकि जब तक पास होके राष्ट्रपति के असेंट के बाद स्टेट असेंबलीज में आते और हम जब पास करते तब तो ये इशू बनता कि स्टेट में हम नहीं बोले सर। लेकिन एक दौर था जब हरियाणा के किसान तो 2021 में पिटे भी हैं, और कई जगह से बोला जा रहा था कि दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी इस पर कुछ नहीं बोल पा रही, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी। जहां पर बोलने की जरूरत थी वहां बोला भी है, जहां कदम उठाने की जरूरत थी वहां कदम भी उठाए हैं। इसीलिए हरियाणा प्रदेश में हम 14 फसलें MSP पर खरीद पाए, 1,00,000 करोड़ रुपए हम किसान के खाते पर दे पाए, 18 फसलें हम भावांतर भरपाई योजना में किसान की को जो स्टॉप गैप फंडिंग होती थी वो कर पाए। ये अगर हम ना करते और हम भी कमर्शियलाइजेशन की ओर जाते जब तो लोग क्रिटिसाइज करें। क्या स्टेट गवर्नमेंट ने हरियाणा की एग्रीकेरियन इकोनॉमी को बढ़ाया नहीं, ये तो लोगों ने तय करना है। किसान आंदोलन में जो लोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो भी चुनाव लड़े थे, फिर लोग उनको क्यों नहीं जिता कर लाए। आज बड़ा आसान है कहना कि उस समय की बात एक विषय पर थी, वो थी बिल्स पर, और मेरे 10 MLAs के सपोर्ट को विड्रॉ करके, जो कि आज की गवर्नमेंट में नहीं है, क्या हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं चलती? आज तो सबको दिखता है कि इनके 10 विधायक थे, उस टाइम विड्रॉ नहीं किया, विड्रॉ नहीं करते तो शायद बीजेपी की सरकार गिर जाती विड्रॉल पर। वही बीजेपी है, वही विधानसभा के 90 सदस्य हैं, हमारे 10 तो सरकार का पार्ट नहीं है, फिर भी तो सरकार चल रही है और स्टेबिलिटी के साथ चल रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।